भारत के कोने कोने से पधारे हुए संत समाज और इन संत समाज से जुड़ी हुई भक्तों की आस्था हिंदू संस्कृति के हित में कार्य करने वाले कई दल कई संस्थाएं समाज और बापू के प्यारे झूठलाए नहीं जाते। ये बिकाऊ मीडिया भी उन्हीं को मूर्ख बना सकती है जो पहले से ही मूर्ख थे, लेकिन हिंदू धर्म के हित में काम करने वाली कई अच्छी मीडिया भी है, कई संस्थाएं भी है, कई दल भी है। साधु समाज हमेशा समाज और संस्कृति को जोड़ने का कार्य करती आई है। उनके उद्गार आपने भी सुने, हमने भी सुने, बड़ी प्रेरणा मिली, हमें बड़ा बल मिला। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ, अमेरिका के डॉलर प्रसिद्ध है, चीन की दीवार प्रसिद्ध है, कुवैत का पेट्रोलियम प्रसिद्ध है, हमारे देश की संस्कृति और इस संस्कृति को महान बनाने वाले साधु संत ऋषि मुनि प्रसिद्ध थे हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। जैसे सुखदेव जी महाराज को एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आपके गुरु महाराज कैसे हैं, आपके गुरु कैसे हैं? सुखदेव जी महाराज बोले, गुरु गुरु ही होता है, गुरु जैसा कोई नहीं। पर पूछने वाले ने पुनः प्रश्न किया, क्या तुम्हारे गुरु सूरज जैसे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ सूरज जैसा ज्ञान तो है मेरे गुरु में, परंतु सूरज में तपन है, मेरे गुरु के ज्ञान में तपन नहीं है। दूसरा सवाल किया, तुम्हारे गुरु चंद्र जैसे हैं? हाँ चंद्रमा जैसी शीतलता मेरे गुरु के दर्शन में और उनके ज्ञान में है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग नहीं। जैसे गंगा का स्मरण, गंगा का आचमन, गंगा का दर्शन और गंगा में गोता लगाना हर हाल में पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सदगुरु का स्मरण, सदगुरु का दर्शन, सदगुरु के ज्ञान में गोता लगाना हर हाल में पावन नहीं करता है। बात रही चोरों की, चोरों को तो चांदनी रात भी पसंद नहीं आती है, हमारे सदगुरु देव तो जैसे के मान सूरज के समान है, फिर उनको वो पैसे पसंद आ सकते हैं? चोरों को चोर ही दिखता है, हनुमान जी लंका गए तो लंकी ने उनको चोर कहने लगी, हनुमान जी कहते हैं ये उल्टी बात हुई, इतना बड़ा चोर लंका में बैठा है वो चोर नहीं दिखता, और मैं मेरी माँ की खोज के लिए आया हूँ, ये मुझे चोर कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक मुक्का मारा सिर पर, मुंह से निकला रक्त, अपने आप हनुमान जी जैसे संत की जय जयकार करने लगी। और भी संत समाज अपनी पीड़ा को लेकर हमारे बीच पधारे हैं, यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले अपने गुरु अपने भगवान इष्ट में
विश्वास रखने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप हृदय से एक बार इतना स्मरण कर लें कि आपके कोई सदगुरु होंगे, कोई गुरु होंगे या जिससे आपको प्रेरणा मिली होगी, मिले सदगुरु उससे पहले जीवन कैसा था और बाद में कैसा था। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है कि अपना उद्धार करने वाले भक्तों को, साधकों को कभी भी दूसरों के दिमाग की उल्टी नहीं चाटनी चाहिए। हमें अपने अनुभव का आदर करना चाहिए, अपने हृदय पर हाथ और प्रत्येक जिनके जीवन में कोई भी संत सदगुरु आए हैं, मिले हैं और जिनके मार्गदर्शन के जिनसे जिनके जीवन में विकास हुआ है, उन्नति हुई है, तो हम अपने अनुभव का आदर करें या फिर दूसरों के दिमाग की उल्टी चाटे। साधक और आप सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भाई बहन, आप सबको मेरी इतनी ही विनती है कि हम अपने अनुभव का आदर करते हुए दूसरों के दिमाग की उल्टी न चाहते। हमें अपने अनुभव का आदर करना चाहिए और नित्य उसको लिखना भी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और हम मानकर चल बैठे, ऐसा नहीं होता है। भला मर्दाना को एक बार बोला, तुम्हारे गुरु दारू पीते हैं, कहा पीते होंगे हमारी तो छुड़वा दी। तुम्हारे गुरु शराब खा रहे, तुम्हारे गुरु मांस खा रहे थे, खाते होंगे हमारी तो छुड़ गई। कहा तुम्हारे गुरु को वैश्या के कोठे पर देखा, कहा कान खोल कर सुन लो, मेरे गुरु फलान खाने जाते हो, फिर भी हमारे लिए वो भगवान है। क्योंकि भगवान और सतगुरु का हर विधान मंगलकारी होता है, ये शास्त्रीय सद्भगवान शिष्य भी समझ सकता है। हर परिस्थिति में गुरु और भगवान के द्वारा भेजे हुए विधान को मंगलमय समझकर दिल से स्वीकृति देता है। आप सभी भक्तों के भीतर विराजमान भगवान को, मेरे सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हरि ओम, हरि ओम। बहुत आभार है परम माननीय कृष्णा दीदी जी, गुरु भक्ति की हमें संबल प्रदान किया, गुरु भक्ति की डोर हमारे हाथ में थी, बहुत आभार है। हर हाल में हमें गुरु जी स्वीकार है, चंद्रमा हमें सारे कलंक के साथ स्वीकार है, समुद्र हमें सारे खारेपन के साथ स्वीकार है, गुलाब हमें सारे कांटों के साथ स्वीकार है, ऐसे ही बापू जी हमें सारे